स्केल स्केलिंग टेक्निक्स इज अ वे थ्रू विच यू आर गोइंग टू कलेक्ट द रिस्पॉन्स, कि कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन का आंसर वो कौन से रिस्पोंडेंट्स कौन से फॉर्म में दे रहा है, कौन से कैटेगरी में दे रहा है, कौन से स्केल्स के ऊपर दे रहा है. तो वी कैन हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स, वी कैन से द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सेस, कि रिस्पोंडेंट्स जो है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कौन से फॉर्म में देगा, उसे हम कहते हैं स्केलिंग टेक्निक्स. कि भाई आप क्वेश्चन जो पूछ रहे हो तो उसके अंदर यस नो टाइप क्वेश्चन हो सकता है, रैंकिंग टाइप क्वेश्चंस हो सकता है, लाइकर्ट टाइप, हाईली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिसेटिस्फाइड, डिसेटिस्फाइड, ऐसे टाइप का ऑप्शंस हो सकता है. तो बेस्ड ऑन द ऑप्शंस, बेस्ड ऑन द वे थ्रू विच यू आर गोइंग टू मेजरिंग द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड स्केलिंग एंड स्केलिंग टेक्निक्स. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, बींग अ रिसर्चर्स एज एंड वेन यू आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस, सो हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द रिस्पॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस, that refers the scaling techniques. So here we can see that from the figures we can classify the scaling techniques in a two major categories, comparative scales and non-comparative scales. Comparative scales ke andar kya hoga, here being a researchers we are going to ask the respondents to compare the two objects and based on that give the response. To uska jo response hoga wo hamesha dusre object ke sath comparison mein hoga. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ कंपेरेटिव स्केल्स, कि जहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि भाई आप दो चीज़ों को कंपेयर कीजिए और उसके बेसिस पे दोनों में से कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, कौन सी बेहतर है, इस हिसाब से हम उसको बोलते हैं कि भाई आपको कंपेयर करके आंसर देना है. तो दैट विल बी कॉल्ड अ कंपेरेटिव स्केल्स. इन द केस ऑफ नॉन कंपेरेटिव स्केल्स वी आर गोइंग टू आस्क द रिस्पोंडेंट्स टू इवेल्युएट द वन ऑब्जेक्ट एट अ वन टाइम. द नेम इटसेल्फ सेज नॉन कंपेरेटिव, मतलब हमें यहाँ पे कंपेयर नहीं करना है. तो क्वेश्चन के अंदर हम क्या बोलेंगे रिस्पोंडेंट्स को, कि भाई आपको एक ही ऑब्जेक्ट को इवेल्युएट करना है, ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है और उसके मुताबिक आपको कंसर्न आंसर देना है, रिस्पॉन्स देना है. सो हियर वी आर गोइंग टू आस्क द रिस्पोंडेंट्स टू इवेल्युएट द वन ऑब्जेक्ट एट अ वन टाइम. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द नॉन कंपेरेटिव स्केल्स. के एग्जाम्पल, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चनर बनाया है और क्वेश्चनर के अंदर मैंने क्वेश्चन रखा है कि भाई आउट ऑफ दिस फोर ब्रांड्स ऑफ सोप प्लीज रैंक दैम एज पर योर प्रेफरेंसेस, कि भाई आपके प्रेफरेंस के मुताबिक ये जो चार ब्रांड्स है सोप की उसको रैंक कीजिए, रैंक दीजिए. रैंक वन मतलब हाईली प्रीफर्ड, रैंक फोर मतलब लिस्ट प्रीफर्ड, कि भाई आपको सबसे ज़्यादा जो प्रीफर्ड ब्रांड है उसको एक नंबर रैंक वन दीजिए. और उसके अंदर मैंने चार ऑप्शन दिए हैं कि भाई लक्स, लाइफ बॉय, डव और निर्मा, ऐसे करके चार मैंने ब्रांड नेम रख दिए सोप्स के और उसको मैंने बोला है रिस्पोंडेंट्स को भाई आपको रैंक देना है. तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कंपेरेटिव स्केल्स. तो बीइंग अ रिस्पोंडेंट्स वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेगा और उसके बेसिस पे डिसीजंस लेगा कि भाई वो आउट ऑफ ऑल दिस ब्रांड विच ब्रांड इज मोस्ट प्रिफर्ड बाय हिम, कि भाई उसको कौन सी ब्रांड सबसे अच्छी लगती है, तो वो ब्रांड को रैंक वन देगा, उसके बाद दूसरी वाले को टू, उसके बाद थ्री, फोर, उस हिसाब से वो बंदा रैंक देगा. तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं रिस्पोंडेंट्स को, कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर कीजिए और उसके मुताबिक आंसर दीजिए. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द कंपेरेटिव स्केल्स. नॉन कंपेरेटिव में हम एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन पूछा, आर यू सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ दिस रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट की सर्विसेज से आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा. नीचे ऑप्शंस क्या दिए, हाईली डिसेटिस्फाइड, डिसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, हाईली सेटिस्फाइड. सो आउट ऑफ दिस फाइव ऑप्शंस रिस्पोंडेंट्स नीड टू चूज एनी वन. और यहाँ पे मैंने क्या बोला है, एक ही, कि एक ही रेस्टोरेंट को आपको इवेल्युएट करना है और उसका आंसर देना है. तो सेम वाला अगर सोप वाले में है उसमें भी, कि भाई आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रेगनेंसीज ऑफ लक्स, तो उसके अंदर भी हाईली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिसेटिस्फाइड, हाईली डिसेटिस्फाइड. तो उस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ नॉन कंपेरेटिव में, एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में रिस्पोंडेंट्स को पूछ रहा हूँ इवेल्युएट करने में, और नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से उसको वो बंदे को कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है. तो
दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंपेरेटिव एंड नॉन कंपेरेटिव. चलिए और पर्टिकुलर समझ लेते हैं, ये हमने ब्रीफली डिस्कस किया. तो नाउ व्हाट वी डिस्कस टिल नाउ, द कंपेरेटिव स्किल्स इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ द स्टिम्युलस ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट के रिसर्च कर रहा है वो ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली कंपेयर करने को बोलते हैं इन द केस ऑफ कंपेरेटिव स्किल्स. एंड बिकॉज ऑफ दैट द डेटा विच वी आर गोइंग टू रिसीव मस्ट बी इंटरप्रिटेड इन द रिलेवेंस रिलेटिव टर्म्स. मतलब वो आउटपुट जो मिलेगा आपको, वो आउटपुट कैसा होगा, रिस्पोंडेंट्स ने कैसे आंसर्स दिया है, जस्ट बाय कंपेयरिंग. तो आपको रिलेटिव टर्म्स में आंसर्स मिलेगा कि भाई ब्रांड ए एज कंपेयर टू ब्रांड बी, तो उस हिसाब से आपको आंसर्स मिल रहा है. सो नाउ दैट डेटा विल बी इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डिनल एंड रैंक ऑर्डर प्रॉपर्टीज में आपको वो रिस्पॉन्स मिल रहा है. इन द केस ऑफ नॉन कंपेरेटिव स्केल्स यू आर गोइंग टू हैव द ईच ऑब्जेक्ट इज स्केल्ड independently of others in the stimulus set. कि भाई हर एक चीज के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आप सेपरेट क्वेश्चन पूछ रहे हो और रिस्पॉन्डेंस जो है वो हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेपरेटली इवेल्यूएट कर रहा है और उसके बेसिस पे वो आंसर दे रहा है. सो द रिजल्टिंग डेटा आर जनरली टू बी एज्यूम टू बी इंटरवल और रेशियो स्केल्स. कि भाई आप रेशियो और इंटरवल स्केल्स के बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है. तो आपको सबसे पहले मीनिंग याद रखना है कि भाई कंपेरेटिव स्केल्स क्या है, नॉन कंपेरेटिव स्किल्स क्या है.